मैं पारसमल प्रवक्ता टेक्सटाइल डिज़ाइन। आज आपको पाइल स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो वेफ्ट पाइल अपन पढ़ रहे हैं उसमें आज अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट वेलवेटिंग्स को कैसे बनाते हैं। कोऑर्डिनेट वेलवेटिंग में क्या होता है, दीज स्ट्रक्चर आर वेरियसली नॉन एज क्राउडरी और फर्स्टेंस। कोऑर्डिनेट वेलवेटिंग को क्राउडरी या फर्स्टेंस वेलवेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। द टप्स ऑफ द फाइबर फ्रॉम द कट पाइल प्रोजेक्ट फ्रॉम द फाउंडेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड और रिप्स। इसमें जो टप्स बनते हैं या जो कट पाइल बनती हैं वो कॉर्ड या रिब की फॉर्म में होती है, जो कि वार्प की दिशा में चलती है, अर्थात लॉन्गिट्यूडनरी दिशा में चलती है। और इसमें जो ग्राउंड वीव होती है वो प्लेन या ट्यूल वीव होती है, जैसे कि आप इसमें स्ट्रक्चर में देख रहे अपन ये प्लेन वीव भर रहे हैं ग्राउंड वीव में, राउंड पिक में। द फाइनर क्लास ऑफ द कोड आर कंस्ट्रक्टेड एम्प्लॉइंग ए प्लेन ग्राउंड वीव विथ फाइनर यार्न। इन दिस स्ट्रक्चर द पाइल पिक्स आर बाउंड इन एट इंटरवेल इन ए स्ट्रेट लाइन टू प्रोड्यूस क्राउडरी, अर्थात वार्प वाय दिशा में ही इसमें पाइल का निर्माण होगा। द कट आर मेड राइट अप द सेंटर ऑफ द स्पेस बिटवीन द पाइल बाइंडिंग पॉइंट। ये आप देख रहे हैं ये और ये व्यू अपनी है 12 by 6 की, क्योंकि इसमें वेफ्टिंग अरेंजमेंट लिया है अपन ने, वन ग्राउंड टू पाइल और ग्राउंड व्यू है प्लेन, वन अप वन डाउन से अपन ने प्लेन व्यू ग्राउंड एंड प्लेन व्यू भर दी और पाइल पिक ये जो है पहला कॉर्नर ये लिया वन अप वन डाउन, इसका सेंटर ये यहाँ पर, इसका रिवर्स, तो ये कॉर्ड बनेगी वर्टिकल दिशा में, प्लेन व्यू बनेगी। द कट्स आर मेड राइट अप द सेंटर ऑफ द स्पेस बिटवीन द पाइल बाइंडिंग पॉइंट। इन सिंपलेस्ट कॉर्ड डिजाइन द पाइल पिक्स आर बाउंड इन प्लेन ऑर्डर इन टू कॉन्जिक्यूटिव एंड्स, दो लगातार ग्राउंड पिक, ये ग्राउंड और इसमें प्लेन व्यू बन ली, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये कॉर्डेड व्हील वेलोसिटी क्या है, ये सरलतम डिजाइन है। ये डायग्राम ये देख रहे अपन ए में, फिर इसका बनाते अपन क्रॉस सेक्शन व्यू, क्या बनाते हैं क्रॉस सेक्शन व्यू, तो एक टोटल एंड है 12, तो ये मैंने 12 एंड बना दिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ग्राउंड एंड G1 और G2 से इसका इंटरलेसमेंट हो गया, क्या हो गया ये इंटरलेसमेंट हो गया। फिर मैंने लिया पिक P1, क्या लिया P1 लिया, तो ये रहा P1, ये चला ये डाउन इसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर, तो ये P1 चल के ये डाउन हो गया, फिर ये वापस अप हो गया, ये कितने पर चलेगा 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये फिर ये डाउन करके ये आ गया यहाँ से ऐसा हो ये वाला, फिर ये P2 क्या है, ये अप, ये P2 ये डाउन, ये करके ये, तो ये कट बनी ऐसे क्वाड के रूप में बनी, ये लंबवत चलेगी इस तरह से ये। फिर अपन ये सिंपलेस्ट डिजाइन इसकी एक और बना सकते हैं, वेफ्टिंग अरेंजमेंट 3 पिक ले लिए, कितने पिक लिए 3 1 2 और 3, इसमें भी क्या भरेंगे प्लेन व्यू, वन अप वन डाउन वन अप, फिर वन अप वन डाउन, तो ये इस तरह से सेम, इसमें 2 पिक है इसमें 3 पिक है, ग्राउंड व्यू क्या है प्लेन है। इसी तरह इसमें अपन क्या करते हैं ग्राउंड व्यू ट्विल व्यू भी काम में ले सकते हैं, ये आप इस डिजाइन में देखेंगे। ये
ये ग्राउंड व्यू जो है टू अप वन डाउन, ट्विल व्यू है टू अप वन डाउन, टू अप वन डाउन। तो और इसमें अपना वेप्टिंग अरेंजमेंट है वन ग्राउंड टू पाइल पिक, वन ग्राउंड टू पाइल पिक, वन ग्राउंड टू पाइल पिक, वन ग्राउंड टू पाइल पिक। तो डिजाइन हो गई 6x9 की, रिपीट साइज क्या हो गई 6x9। तो ये अपन ने ये बैठ दिए, ये सेंटर हो गया वन अप वन डाउन। तो ये वापस ये एंड इसको करेंगे रिपीट, तो ये एंड यहाँ आ जाएगा सिरा। तो इस तरह से अपन इसमें ट्विल व्यू काम में भी ले सकते हैं, इस तरह से अपन ये कोऑर्डिनेट वेलवेटिंग बनाते हैं। इसमें क्या स्टैंडर्ड पर्टिकुलर है, क्या स्टैंडर्ड पैरामीटर जिसको अपने को फॉलो करना पड़ता है। वार्प का काउंट होगा 2/10, 2/10। वेप्ट का काउंट होगा 18 का, ईपीआई होंगे इसके 30, पीपीआई होंगे 426। हाई डेंसिटी ऑफ पिक्स पर इंच होंगे, और वेप्ट में जो क्रिम्प आएगा वो 20% का क्रिम्प आएगा। तो वेलवेटिंग का मुख्य उपयोग अपन अपहोलस्ट्री फैब्रिक्स, फैंसी फैब्रिक्स में करते हैं। थैंक यू।